गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस. दिस इज चैप्टर 15, पीपल हु वॉन द नोबल प्राइज. टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस चैप्टर, फाउंडर ऑफ नोबल प्राइज, फील्ड इन विच इट इज़ अवार्डेड, सम ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द नोबल प्राइज. अब हम इसमें अल्फ्रेड नोबल, जो जिनके ऊपर नाम ही इस प्राइज का नाम रखा गया था, बहुत ही रिच थे. वो चाहते थे कि दुनिया उनके बाद भी उनको याद रखे. तो उन्होंने एक ऐसा विल, मतलब कि वसीयत तैयार की, जिसके लिए उन्होंने उसमें प्रॉपर्टी को प्राइज के रूप में ऐसे लोगों को दिया जाए जो अपने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट किए हों अपने अपने क्षेत्र में. और उस प्राइज का नाम भी उन्होंने उनके नाम के ऊपर नोबल प्राइज रखा गया. अल्फ्रेड नोबल वॉज ए स्वीडिश साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर. हिज फेमस इन्वेंशन वॉज डायनामाइट. 1901 से अब 10 दिसंबर को हर साल नोबल प्राइज अवार्ड के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक्सीलेंट योगदान देने के वालों को अवार्ड दिया जाता है. जो कि नोबल प्राइज़ रिसीव करता है उसे नोबल लॉरेट कहते हैं. इस चैप्टर में हम कुछ नोबल प्राइज़ विजेता के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपना बेस्ट दिया है अपने फील्ड्स में. रविन्द्रनाथ टैगोर, फर्स्ट नेम है रविन्द्रनाथ टैगोर. रविन्द्रनाथ टैगोर पॉपुलरली नोन एज अ गुरुदेव एंड ही वॉज अ बंगाली राइटर. ही वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है. उन्होंने 19th सेंचुरी में इंडियन आर्ट को मॉडर्नाइज किया था और उन्होंने एक फेमस बुक लिखी गीतांजलि, उसके राइटर हैं वो. गीतांजलि एक पोएट्री कंपोजिशन है. उनके पोएट्री सॉन्ग वेयर स्पिरिचुअल एंड मैजिकल. और इस गीतांजलि बुक में गॉड के ऊपर उन्होंने पोएट्री लिखी है. और उन्होंने लिटरेचर के लिए 1913 में नोबल प्राइज़ मिला. वो नोबल प्राइज़ एक्सेप्ट करने वाले फर्स्ट इंडियन थे. मार्टिन लूथर किंग जूनियर. मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट चलाने वाले एक महान लीडर थे. वो 1929 में अमेरिका के अटलांटा में बॉर्न हुए. वो महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट प्रिंसिपल से हाईली इन्फ्लुएंस थे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे. वो रंग भेदभाव के बिल्कुल खिलाफ थे. उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी. इस लड़ाई में कई लोगों ने उनको सपोर्ट किया. फाइनली एक लॉ पास हुआ लास्ट में, जो कि अमेरिका सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देता है. और उन्हें पीस के लिए 1964 में नोबल प्राइज़ मिला. मदर टेरेसा. मदर टेरेसा को कोलकाता का सेंट टेरेसा भी कहा जाता है. 26 अगस्त 1910 में यूगोस्लाविया में उनका जन्म हुआ था. उनका रियल नाम एजेंस गुनाज बोजानजियो था. वो भारत में गरीब से गरीब लोगों की भलाई के लिए जानी जाती थी, मतलब उनके वेलफेयर के लिए काम करती थी वो. और उन्होंने कलकत्ता में 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो कि बीमार और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करता था, मदद करता था. उन्होंने निर्मल हृदय नाम से भी ऑर्फनेज खोला था, जो बेसहारा लोगों के लिए भी मदद करता था. फिर उन्होंने लेप्रोसी के लिए भी सेंटर्स खोले. जो लेप्रोसी मतलब एक तरह की बीमारी होती है और स्किन डिजीज़ हो जाती है. मदर टेरेसा को पीस के लिए 1979 में नोबल प्राइज़ दिया गया ह्यूमैनिटी वर्क के लिए. और पोप फ्रांसिस द्वारा भी कलकत्ता सेंट मदर टेरेसा 2016 में डिक्लेयर किया गया. उनको 1980 में भारत का प्रतिष्ठित अवार्ड भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया, उनको मतलब दिया गया. आंग सान सू की जो है म्यांमार की एक पॉलिटिकल लीडर हैं. उनका जन्म 19 जून 1945 को बर्मा में हुआ था, जो कि अब म्यांमार में है. अब उसमें इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी. फिर वो अपने जब स्वदेश लौटी तो वहाँ पे क्या थी, मिलिट्री गवर्नमेंट थी. तो उन्होंने फिर डेमोक्रेसी के लिए अहिंसा का रास्ता अपनाया, जिससे उनकी जो देश है वो मिलिट्री गवर्नमेंट से आज़ाद हो सके. और उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए फिर खड़ी हुई. उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की. इस उनकी जो पार्टी थी वो 1990 में उन्होंने जनरल इलेक्शन में पार्ट लिया. 59% वोट से उन्होंने वोट पाए. फिर भी उनको गवर्नमेंट बनाने की परमिशन नहीं मिली. और फिर उन्होंने मिलिट्री रूल्स के अंडर ही अपने आप को फिर उनको कैद कर लिया गया. फिर 15 इयर्स तक स्ट्रगल करने के बाद भी उनके स्ट्रगल जारी रहा. और वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट
लीडर प्रिजनर प्रोमिनेंट लीडर प्रिजनर कैदी बन गई थी, फिर उन्हें पीस के लिए 1991 में नोबल प्राइज़ दिया गया। ओके क्लास, दीज आर द सम पर्सनालिटीज दे रिसीव नोबल प्राइज़ फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन देयर फील्ड।